गाइज यहाँ पे देख सकते हैं आप सूखा हुआ अदरक कूट रहे हैं। ये देखिए अब ये है बेड़ू का फल, काफ़ी छोटा होता है ये और चॉकलेटी कलर का है। देखिए हेलो गाइज वेलकम टू हिमालयन ग्लाइडर, दिस इज सोनू। गाइज आज मैं हूँ विलेज लखमार में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मी की भर्ती के लिए जीतोड़ मेहनत की जा रही है और मुझे उम्मीद नहीं विश्वास भी है कि ये मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। सामने की तरफ है विलेज लखमार। सामने की तरफ देखिए विलेज लखमार को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी पुल है और यहाँ पे देखिए छोटी सी नदी है, इसमें आजकल पानी बहुत कम है। दोस्तों अभी हम मेन पुल से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं विलेज की तरफ और यहाँ पे थोड़ा चढ़ाई है, सांस फुल रियल का ऊपर चढ़ने में। पुल से आगे की तरफ रास्ता पक्का है विलेज का, आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं बीच बीच में, तो काफ़ी थकाने वाला रास्ता है थोड़ा। आप देख सकते हैं इस तरीके के रास्ते हैं ऊपर की तरफ, अभी तक लगातार ऊपर की तरफ चढ़ाई है और सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं रास्ते में थकाने वाली। सामने की तरफ एक छोटी सी पुल और है, देखिए ये देखिए अब ये है बेड़ू का फल, काफी छोटा होता है ये और चॉकलेटी कलर का है। देखिए गाइस इसके अंदर का बीज देखिए आप, ये देखिए ये है बेड़ू का फल और मैं इसे खा के बताता हूँ आपको इसका टेस्ट कैसा है। काफ़ी लाजवाब और टेस्टी है। सामने की तरफ देखिए ये है मसूर और सरसों की खेती। गाइज अभी मैं पहुंच गया हूं विलेज लखमार में और मेरे साथ हैं दिनेश चंद जोशी जी। जोशी जी से जानते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या क्या लगाया हुआ है। देखिए फर्स्ट तो हम आपको ये दिखाएंगे, यहाँ पे इलायची का एक पेड़ है जो 2 साल पहले मैंने प्लांट किया था और काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है इसने यहाँ पे, और क्योंकि यहाँ पे हमारा पानी भी चलते रहता है तो इस वजह से भी शायद ये अच्छा ग्रो कर गया है। अगर हम इसकी खेती करें तो शायद ये बहुत अच्छा लाभदायक हो सकता है हमारे लिए। उसके आगे आप देख रहे हैं अश्वगंधा का पेड़ मैंने लगाया था, ये भी सेम टाइम लगा है तो ये भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। साथ में कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते का पेड़ भी अच्छा चल रहा है यहाँ पे, जो इस एरिया में है नहीं हमारे पास। बाकी ये तो नॉर्मल जो हम लोगों की खेती होती है वो है। ये लेमन ग्रास का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये भी मैंने 2 साल पहले प्लांट किया था, काफ़ी बड़ा हो गया था, जो हमने कटिंग करके सुखा के इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी आपके सामने ये हबिस्कस गुड़हल का पेड़ था, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो रहा था तो हम लोगों ने ये ट्रिम कर दिया है कि छोटा छोटा बुश बना रहे इसका। ये टमाटर ये मेरी फैमिली की मेहनत है, इन्होंने एक पेड़ हुआ था तो उसको संरक्षित किया और ये अब अच्छा फल दे रहा है। मेरे साथ हैं अभी अभिषेक जो कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जानते हैं अभिषेक से कि यहाँ पे उनको वर्क फ्रॉम होम में क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। सो चैलेंजेस जो थे यहाँ पर, एक तो मेन पावर का इशू था जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने घर पर आते इन्वर्टर सेटअप किया जी, तो वो एक चैलेंज था जिसको इनिशियली हमने ओवरकम किया। देन उसके बाद एक इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो पहले मैंने यहाँ वाईफाई वगैरह ब्रॉडबैंड वगैरह से काफ़ी बात की लेकिन यहाँ तक तो कोई कनेक्शन नहीं आया, तो बेसिकली मैं अभी एयरटेल का ये नेट शटर यूज़ कर रहा हूँ तो उससे मेरा काम अभी ऑफिस का चल रहा है बिल्कुल। ओके अभिषेक आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू।
यहाँ पे देखिए जोशी जी का एक छोटा सा डॉगी है जिसका नाम बेली है। बेली यहाँ पे देखिए ये देसी कद्दू यहाँ पे लगाए हुए हैं अभी आजकल। जोशी जी ने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी लगाई है। देखिए आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप सूखा हुआ अदरक कूट रहे हैं। ये है लीची का पेड़ देखिए। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भूमि देवता मंदिर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही पुराना वाटर टैंक है जो कि सिंचाई के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक धारा है इसमें काफ़ी पानी आता है। देखिए ये 24x7 चलता रहता है पानी, काफ़ी साफ पानी है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी धारे का पानी जो बह रहा है इसी को यूज़ करके देखिए यहाँ पे जानवरों के लिए तालाब बनाया गया है। इसे जानवर पीते हैं और इससे आगे की तरफ नहर बनी है। नहर जो है वहाँ से टैंक में कनेक्टेड है और टैंक का पानी सीधे नीचे सिंचाई के लिए यूज़ होता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे पानी का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सुंदर पुराना गौशाला है। अभी यहाँ पे गोबर की खाद निकाली जा रही है। गाइज अभी मैं हूँ चौहान जी के बगीचे में, तो आइए जानते हैं चौहान जी से उन्होंने यहाँ पे क्या क्या वेजिटेबल्स लगाए हैं। ये मेरा पत्ता गोभी है और पालक हो रही है, लाई और प्याज हो रही है वहाँ पे और मटर हो रही है और लहसुन और उसके नीचे आलू लगा के पालक के नीचे और मूली की फसल अब खत्म होने को जा रही है। मूली खत्म होनी है, धनिया हो रहा था यहाँ। ये बाकुला है, मैं बीन्स लगा रखी है। वो सारी खेती ऑर्गेनिक है। हाँ ऑर्गेनिक खेती है। वो मेथी हो रखी है, ये दाल वाली मटर है, आगे जौ और मसूर। अच्छा जौ और मसूर हो रही है। और ऊपर की तरफ जो बगीचा है उसमें आपने क्या क्या आम लगा रखा है और अमरूद आम नाशपाती जी 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 हाँ लीची और लीची भी लगा रखी है पीछे को। ओके तो ये बगीचा कितना टाइम हो गया आपको? जो ये बगीचा एक बार शुरू हो गया था, इसको 20 साल हो गए। एक बार शुरू हो गया था, बर्फ पड़ने से सारा बगीचा खत्म हो गया। फिर दोबारा जीर्ण उद्धार कर दोबारा ये कलियां आ रखी हैं, अब ये फल देना शुरू करेगा। तो चौहान जी से जानेंगे यहाँ पे उन्होंने कौन कौन से आम के प्रजातियां लगा रखी हैं। ये है दशहरी का पेड़ है और लंगड़ा है, चौसा है और कांठी है और कलमी है, चार वैरायटी है। ये दोबारा जीर्ण उद्धार हो रखा है इसका। उसके अलावा बगीचे में और क्या क्या है? अमरूद है और आलू लीची और नाशपाती। सामने की तरफ देखिए ये है चौहान जी का आम का बगीचा, बेहद ही खूबसूरत। यहाँ पे देखिए काफ़ी मेहनत की है चौहान जी ने। और सामने देखिए ये है अमरूद का पेड़। गाइस आप देख सकते हैं ये है लीची का पेड़। देखिए यहाँ पे आप सामने की तरफ देखिए ऑर्गेनिक बंद गोभी है ये। और यहाँ पे देख सकते हैं आप चौहान जी ने फिश पॉन्ड बनाया है। ये जो बचा हुआ पानी है ऊपर से आता है, इसको इन्होंने फिश पॉन्ड और सिंचाई के लिए यूज़ किया गया। यहाँ पे काफ़ी यूटिलाइजेशन किया गया है पानी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चुकंदर, बीट रूट। इस तरफ आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत रोज़ फ्लावर्स। ये है चौहान जी का डॉगी देखिए आप। यहाँ देखिए चौहान जी ने यहाँ पे मूलियाँ लगा रखी हैं जो कि काफ़ी बड़ी हो रखी हैं। देखिए ये सारी ऑर्गेनिक मूलियाँ हैं। ये है पपाया ट्री। यहाँ पे आप देखिए इसे कुमाऊनी लैंग्वेज में बोला जाता है गलगल, ये काफ़ी खट्टे होते हैं। वैभव देखिए यहाँ पे नमक पीस रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने देखिए भैंसें पाली हुई हैं। अंदर गौशाला में देखिए यहाँ पे गाय हैं, ये छोटी सी बच्ची है देखिए प्यारी सी। इस तरफ आप देख सकते हैं चौहान जी ने बकरियाँ भी पाली हुई हैं, छोटी छोटी बकरियां हैं यहाँ पे। ये देखिए प्यारी बकरी। यहाँ पे देखिए एक पुराना ट्रेडिशनल उखल और मुसल है। देखिए
ये काफ़ी बड़ा पत्थर है, इसको काट के यहाँ पे उखल बनाया गया है। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए अलग अलग टैंक बनाए गए हैं। तो जानते हैं चौहान जी से ये वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनती है। इसमें हम कच्चा गोबर और पत्तियाँ, सड़ी गली पत्तियाँ जो इसमें डाल दिया, और उसमें 3 महीने में तैयार हो जाता है। जो कैचुए हैं, कैचुए डाल रखे हैं जी, जो इस गोबर को, इसको खाद को तैयार करते हैं। यहाँ पे देखिए चौहान जी ने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, आपको मैं अंदर ले जाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं मुर्गियाँ सारी पहाड़ी हैं और काफ़ी हेल्दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वीरेंद्र जी का पोल्ट्री फार्म। ये है मुर्गी, देखिए आप, कड़कनाथ बोलते हैं, कड़कनाथ प्रजाति है ये। अभी मैं हूँ वीरेंद्र सिंह चौहान जी के पोल्ट्री फार्म में। तो जानते हैं वीरेंद्र जी से, उन्होंने यहाँ पे कौन कौन सी प्रजाति की मुर्गियाँ रखी हैं। मैंने रखी है कड़कनाथ मुर्गी रखी है, तो जो कड़कनाथ यहाँ पे अच्छी हो रही है, और उसके बाद मैंने कॉयलर है, बन राजा है, और एक दो वैरायटी और है उसमें। ओके, हाँ ये अच्छा ग्रोथ कर रही है यहाँ पे, कड़कनाथ जो है अच्छा ग्रोथ कर रही है यहाँ पे, अच्छा हो रहा है। तो आपने ये मुर्गियाँ कब से शुरू की हैं? ये मुर्गियाँ मैंने लॉकडाउन से, घर आया मैं जी जी, तो घर से फिर मैंने बोला यार अब क्या करूँ, रोज़गार कुछ नहीं था, तो मैंने ये पोल्ट्री फार्म खोला, एक बनाया, ये जो भी पैसा था मैंने इस पर लगाया जी, ये मुर्गी रखी मैंने। ये पोल्ट्री फार्म बनाने में आपको, आपका कितना खर्चा आया ज़रा बताएं। ये पोल्ट्री फार्म बनाने में मेरे को 1 लाख तक मेरा खर्चा आ गया इसमें। फिर अभी कितना टाइम हो गया आपको ये पोल्ट्री फार्म? ये हो गया मेरा अभी, ये मुर्गियाँ हो गई, मेरे को मुर्गियाँ तो लेट में मिली जी जी, ये बन गया था मेरा 7-8 महीने हो गए बना के, ये 3 महीने की हो गए छोटे वाले मुर्गी जो है मेरे पास। इसमें से कुछ प्रॉफिट आना शुरू हुआ? अभी प्रॉफिट तो कुछ नहीं आ रहा है, अभी जो है जाहिर है जी जी, इसका दाना पानी का खर्चा है जो हो ही जा रहा है, क्योंकि जितने जितने बड़े हो रहे हैं इनका खाना दाना बढ़ते जा रहा है, इनका राशन बढ़ते जा रहा है, तो इसी में और कुछ नहीं है, रोजगार भी कुछ नहीं है। जैसे अभी हम मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेमेंट अभी तक हमको मिलता नहीं है, 2-3 महीने हो गए, यहाँ पे कुछ इसमें हमको लाभ मिलता नहीं है सही रेट पे, प्रॉफिट नहीं हो रहा अभी, जो भी है जाहिर है अभी यहाँ पे, अभी जो हमको अगर बेचना भी चाहो तो अच्छा रेट भी नहीं जाता है यहाँ पे मुर्गी, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है इसमें। ओके थैंक यू। ओके सर, गाइज अगर आप पहाड़ी मुर्गी खरीदना चाहते हैं तो वीरेंद्र जी से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इसके माध्यम से उनको थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है।